हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी दो बच्चों के बारे में है जो अपने खोए हुए पिता को ढूंढने के लिए खतरनाक जर्नी पर जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी लाइफ का सबसे मैजिकल एडवेंचर बन जाएगा। तो ये मूवी इंडिया के जंगलों से शुरू होती है जहां हम एक बहुत ही प्राचीन मंदिर को देखते हैं और पता चलता है कि दो एक्सप्लोरर्स इस जगह पर रिसर्च करने आए हैं। इनमें से एक है चार्ल्स विलर्ड जो दुनिया से लुप्त हो चुके एनिमल्स पर रिसर्च कर रहा है, और दूसरा है प्रोफेसर शोंकू जो अपने इन्वेंशंस के लिए बहुत फेमस है। साथ मिलकर उन्होंने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और यहाँ भी उन्हें ऐसा ही एक मिस्टीरियस टैबलेट मिलता है। वो देखते हैं कि टैबलेट पर किसी हिडन वर्ल्ड तक जाने का रास्ता है जहाँ यूनिकॉर्न के साथ साथ और भी कई मैजिकल एनिमल्स रहते हैं। चार्ल्स बताता है कि उसके बच्चों को यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, और इस पर शोंकू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं पुराने डीएनए को जोड़कर एक असली यूनिकॉर्न बना सकता हूँ, लेकिन चार्ल्स इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि बनाने से ज्यादा मैं उसे ढूंढना पसंद करूँगा। तभी हम फ्रैंक नाम के एक विलेन को देखते हैं जो शोंकू के इन्वेंशन चुरा कर उससे पैसा कमाना चाहता है, और इसीलिए उसकी नज़र हमेशा उसके मिशंस पर रहती है। वो उन्हें बांध कर उनकी डायरी को चुरा लेता है और कहता है कि अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन किस्मत उन दोनों को बचा लेती है और वो उस टैबलेट को लेकर बाहर निकल आते हैं। तभी वो फ्रैंक के हेलीकॉप्टर को देखते हैं और शोंकू उसका पीछा करने के लिए अपनी राइड मंगवाता है। फिर वो अपने गैजेट्स की मदद से उस डायरी को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में चार्ल्स बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगता है। शोंकू भी डायरी छोड़कर अपने दोस्त को बचाने जाता है और एक पैराशूट की मदद से वो दोनों सेफली नीचे आ जाते हैं। आगे का सीन 18 महीने बाद का है जहां हम मेलोडी और उसके भाई मो को देखते हैं और पता चलता है कि वो यहां अपने डैड चार्ल्स को ढूंढने आए हैं। जल्दी ही उनकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि एक रोबोट छुपकर उन दोनों को आइडेंटिफाई कर रहा है। मेलोडी मो से कहती है कि हमें प्रोफेसर शोंकू तक पहुंचना होगा क्योंकि वही है जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन बाहर उनका सामना फ्रैंक के लोगों से होता है जो उन दोनों को किडनैप करने आए हैं। रोबोट भी खतरे को समझ जाता है और बच्चों को उनके साथ नहीं जाने देता। वो बताता है कि मैं शोंकू का पर्सनल रोबोट रोबू हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हें लेने भेजा है। फिर वो उसकी बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं और रोबू उन्हें शोंकू के मेंशन में ले आता है। शोंकू को लगता है कि ये शायद उसके नए असिस्टेंट हैं और वो उन्हें अपनी लैब में चलने को बोलता है जहां वो एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है। मेलोडी और मो उसे बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शोंकू उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उन्हें दिखाता है कि कैसे उसने डीएनए की मदद से एक यूनिकॉर्न बना लिया है। बच्चों को यूनिकॉर्न थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन शोंकू बताता है कि शायद डीएनए मैचिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है और ये सब उसकी डायरी चोरी होने की वजह से हुआ है। यही हम शोंकू के दूसरे असिस्टेंट आवी को देखते हैं जो उन सब के लिए आम लेकर आया है, लेकिन वो भी इस अजीब से एनिमल को देखकर डर जाता है। इधर मेलोडी शोंकू को अपने डैड के बारे में बताती है कि कैसे वो अचानक से कहीं गायब हो गए हैं, और ये सुनकर शोंकू परेशान हो जाता है। फिर वो चार्ल्स का भेजा हुआ आखिरी मैसेज देखते हैं जिसमें वो बताता है कि मैंने उस मैजिकल वर्ल्ड को ढूंढ लिया है और तुम्हें भी ये सब अपनी आंखों से देखना चाहिए, लेकिन इतना कहते ही चार्ल्स कहीं से नीचे गिर जाता है। मेलोडी और मो उससे अपनी मदद करने को कहते हैं और शोंकू भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा पिता होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी है। आगे वो अपने जेट से उसकी लास्ट लोकेशन की ओर जाते हैं जो अल्मोड़ा नाम का एक छोटा सा टाउन है, लेकिन रोबू देखता है कि कोई दूसरा प्लेन उनका पीछा कर रहा है। शोंकू जानता है कि ये जरूर फ्रैंक का ही काम है और बचने के लिए वो अपने जेट को एक स्टॉर्म में ले जाते हैं। फ्रैंक के लोग उन पर एक लेजर से अटैक करते हैं जिससे उनके एक इंजन में आग लग जाती है, लेकिन रोबू किसी तरह उन्हें बचाकर अल्मोड़ा के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। शोंकू रोबू से प्लेन को ठीक करने को बोलता है और खुद पुलिस स्टेशन में चार्ल्स का पता करने जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर उसे चार्ल्स का कुछ सामान देता है जिसमें उसका मोबाइल फोन भी है, और बताता है कि ये कुछ हाइकर्स को एक घाटी में पड़ा हुआ मिला था और इसके अलावा चार्ल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर एक मंकी मो से उसका हेडफोन चुरा लेता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो दोनों एक सुनसान जगह आ पहुँचते हैं। वहाँ उनका सामना दो बदमाश लोगों से होता है जो टूरिस्ट समझकर उन्हें लूटना चाहते हैं, लेकिन तभी उनकी मदद करने एक मार्को नाम का आदमी आता है। वो उन बदमाशों की बहुत पिटाई करता है और बच्चों को सेफली वापस उनके प्लेन तक ले आता है। यही शोंकू को चार्ल्स के फोन में कुछ क्लूज मिलते हैं जो उसने स्पेशली शोंकू के लिए छोड़े थे, और वो अपनी टीम को बताता है कि हमें चार्ल्स को ढूंढने के लिए हिमालय पर जाना होगा।
मार्को भी इस काम में उनकी मदद करने को कहता है और बताता है कि मैं इस जर्नी के लिए यॉक्स अरेंज कर सकता हूँ। शोंकू इसके लिए एग्री हो जाता है और वो सब अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना बहुत सी मुश्किलों से होता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और चार्ल्स की दी हुई लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। शोंकू के मुताबिक वहाँ एक टेम्पल होना चाहिए था, लेकिन वो जगह तो एकदम खाली थी। और तब रोबू कहता है कि शायद हमें जमीन के नीचे देखना चाहिए। शोंकू डिटेक्टर से आइस के नीचे चेक करता है और वहाँ उन्हें उस टेम्पल का सीक्रेट रास्ता मिलता है। शोंकू बताता है कि यहीं से उन्हें आगे जाने का क्लू मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। और फिर वो सब सोने चले जाते हैं। सुबह वो सूरज की पहली रोशनी को फॉलो करने को कहता है और वो देखते हैं कि उससे दीवार पर एक बुल की शेप बन रही है जिसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। वहाँ दूर उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसकी शेप सोते हुए इंसान के जैसी है। और शोंकू बताता है कि हम लोगों को वहीं जाना होगा। फिर हम उन्हें याक और स्लेज लेकर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक फ्रोजन रिवर मिलती है। शोंकू सेफ्टी के लिए सबको स्लेज में बैठने को बोलता है, लेकिन तभी उस रिवर में क्रैक्स आने लगते हैं। याक भी घबराकर स्लेज से अलग हो जाते हैं और स्लेज एक बर्फीली टनल से होते हुए क्रैश हो जाती है। शोंकू देखता है कि उनके सभी लोग एकदम ठीक हैं और वो उनसे आगे बढ़ने की तैयारी करने को बोलता है। तभी वहाँ कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं जिन्होंने हाथ में गन्स पकड़ी हुई हैं और उनकी लीडर है यामू नाम की लेडी। वो उन्हें बताती है कि ये सारा इलाका मेरे अंडर में है और तुम्हें यहाँ आने की सजा मिलेगी। मेलोडी उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि यामू के हाथ में उसके डैड की घड़ी है। इधर यामू उन्हें छोड़ने के बदले रोबू को अपने हवाले करने को कहती है, लेकिन शोंकू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दोनों बच्चे स्नोबॉल से उन्हें मारने लगते हैं और मौका देखकर शोंकू उन पर अपनी डार्ट गन से अटैक करता है। वो बताता है कि वैसे तो ये डार्ट से एकदम हार्मलेस हैं, लेकिन इसका असर इन्हें हेलुसिनेट करने लगेगा। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और यामू के लोगों को वहाँ ड्रैगन नजर आने लगता है। यामू शोंकू पर अटैक करने आती है, लेकिन रोबू एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। फिर वो उससे उस घड़ी के बारे में पूछते हैं और यामू बताती है कि ये तो उसके दोस्त चार्ल्स ने उसे दी थी जब वो यहाँ से अपनी जर्नी पर जा रहा था। आगे हम उन सभी को यामू के कबीले में देखते हैं, जहाँ वो उन्हें खाने का सामान देती है और बताती है कि चार्ल्स एक मैजिकल दुनिया को खोजना चाहता था और हमारे यहाँ उसने काफी टाइम बिताया है। तब मेलोडी उससे अपने डैड के बारे में पूछती है और यामू कहती है कि कल सुबह मैं तुम्हें उसकी लास्ट लोकेशन तक ले जाऊंगी। सुबह वो उन्हें एक पहाड़ी तक लेकर आती है और कहती है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। फिर उन्हें गुड लक बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और शोंकू और उसकी टीम आगे बढ़ने लगती है। संकरे रास्ते और बर्फीली वादियों से होते हुए वो एक ब्रिज तक आते हैं, लेकिन जैसे ही मेलोडी उस पर चलना शुरू करती है वो ब्रिज टूट जाता है और मेलोडी नीचे बने एक क्रिस्टल ब्रिज पर जा गिरती है। शोंकू और बाकी लोग भी ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है। उस रास्ते से होते हुए वो एक मोनेस्ट्री तक आते हैं, जहां बीचों बीच एक चमकता हुआ ग्लोब रखा हुआ है। आगे जाने पर उन्हें एक बुक नजर आती है जिसके बगल में बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैचू है और मेलोडी देखती है कि ये बुक तो संस्कृत लैंग्वेज में है जो उसके डैड उसे सिखा चुके हैं। वो बताती है कि बुक में भी किसी ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उन्हें फ्लाइंग पावर की जरूरत पड़ेगी। शोंकू भी देखता है कि ये लाइब्रेरी किसी लैब के जैसी है, जहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। यही मार्को घूमते हुए एक सीक्रेट रूम में आता है जहाँ ढेर सारा खजाना रखा हुआ है और यहाँ पता चलता है कि वो तो असल में फ्रैंक के लिए काम करता है और उसने उसे यहाँ की लोकेशन शेयर कर दी है। इधर शोंकू और बच्चों को सामने एक क्रिस्टल वॉल नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि आगे जाने के लिए हमें इसे पार करना होगा। तभी वो मार्को को वहाँ आते हुए देखते हैं जिसने हाथ में ढेर सारा खजाना पकड़ा हुआ है और शोंकू भी उसकी असलियत जान जाता है। फिर वो उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं और मार्को बताता है कि ये सब तो इन पावर बूट्स का कमाल है और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी आवी सबके लिए वैसे ही बूट लेकर आता है जिसकी मदद से वो उस क्रिस्टल वॉल तक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। शोंकू देखता है कि मेलोडी और मो भागते हुए आगे निकल गए हैं और वो भी उनके पीछे जाने का प्लान करता है। दूसरी तरफ हम एक शिप को देखते हैं और पता चलता है कि फ्रैंक अपने लोगों के साथ वहाँ आ पहुँचा है ताकि यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को चुराकर अपनी दुनिया में ले जा सके। उधर शोंकू और उसके साथियों का सामना एक मिनोटोर से होता है और वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं।
तभी झाड़ियों में से एक यंग आदमी बाहर आता है और शोंकु देखता है कि ये तो उसका दोस्त चार्ल्स ही है, जिसे इस दुनिया ने काफी बदल दिया है। चार्ल्स बताता है कि मिनोडोर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने उसे समझाकर दूर भेज दिया है और मैं तो यहाँ तुम्हारे शिप को देखकर आया हूँ। लेकिन शोंकु कहता है कि हम तो यहाँ कोई शिप नहीं लाए, और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर फ्रैंक ही होगा। उधर मेलोडी और मो की नज़र एक असली यूनिकॉर्न पर पड़ती है, और इससे पहले कि वो उसके पास जा पाए, मार्को उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर चार्ल्स शोंकु को ये मैजिकल दुनिया दिखाता है और बताता है कि आते ही मैं एक पेड़ में क्रैश हो गया था, लेकिन एक मैजिकल फ्रूट ने मुझे फिर से ठीक कर दिया। फिर जैसे ही मैंने यहाँ से वापस जाने की सोची, मेरा शरीर गायब होने लगा और पता चला कि उस फ्रूट ने मेरी बॉडी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया है और अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इधर मेलोडी और मो देखते हैं कि फ्रैंक के लोग एनिमल्स और प्लांट्स को कैद कर रहे हैं, और तभी वो खुद भी उनके हाथों पकड़े जाते हैं। चार्ल्स को भी शिप के पास मेलोडी की डायरी पड़ी हुई मिलती है और वो छुप कर उनके पास जाने लगते हैं। फिर वो मार्को और उसके लोगों पर स्लीपिंग डार्ट्स का यूज करते हैं, और फ्रैंक भी समझ जाता है कि शोंकु यहाँ आ पहुँचा है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम मुझे भागने से नहीं रोक सकते, और शोंकु को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन शोंकु को बचाने के चक्कर में गोली चार्ल्स को जा लगती है। तभी वो देखते हैं कि चार्ल्स के घाव अपने आप भर रहे हैं, और फ्रैंक भी ये देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने लोगों से चार्ल्स को पकड़ने को बोलता है ताकि इमोर्टैलिटी का सीक्रेट जान सके, लेकिन शोंकु उसे कहता है कि इसमें तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, और तुम चाहो तो मेरी ये नई डायरी ले सकते हो जिसमें मैंने ये सीक्रेट पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। फिर अचानक एक बड़ा सा बर्ड उन बच्चों को उठा कर ले जाता है, और फ्रैंक भी डायरी और चार्ल्स को लेकर निकल जाता है। तभी शोंकु को एक दूसरा बर्ड नजर आता है और वो उस पर बैठकर उनका पीछा करने लगता है। उधर फ्रैंक उस डायरी को देखकर बहुत नाराज होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि शोंकु भी उस तक पहुंच चुका है। शोंकु किसी तरह चार्ल्स को फ्री कर लेता है, और इधर हम आवी और रोबू को देखते हैं जिन्होंने उस बर्ड से बच्चों को छुड़ा लिया है। फ्रैंक के लोग शोंकु और चार्ल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो यूनिकॉर्न वहां आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो यूनिकॉर्न को लेकर प्लेन से नीचे कूद जाते हैं, और फ्रैंक कसम खाता है कि एक दिन वो यहाँ वापस जरूर आएगा। चार्ल्स अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है, और तब शोंकु उसे बताता है कि फ्रैंक अपने साथ कई सारे एनिमल्स को ले गया है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि इस बार वो कामयाब नहीं हो पाएगा और ना ही उसे वापस आने का रास्ता मिलने वाला है। आगे हम फ्रैंक को देखते हैं जो उन एनिमल्स और प्लांट्स को बेचने का प्लान बना रहा है, लेकिन तभी अचानक वो एक एक करके गायब होने लगते हैं, और देखते ही देखते उसका खजाना खाली हो जाता है। इधर चार्ल्स अपने बच्चों को सच बताता है कि बिना क्योर के वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, और वो सब उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको वापस लेने जरूर आएंगे। तभी रोबो अपना बनाया एक फ्लाइंग शिप लेकर आता है और बताता है कि ये सारा सामान मैंने फ्रैंक के प्लेन से चुराया है, और फिर वो चार्ल्स से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एंड सीन शोंकु की लैब का है, जहाँ वो बताता है कि हम क्योर ढूंढने के बहुत करीब हैं, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।